हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे इस न्यू ब्लॉग में दोस्तों। तो आज हम जा रहे हैं कॉलेज और मेरी दीदी भी जा रही है अपना स्कूल। तो हम लोग अभी बस का वेट कर रहे हैं। दीदी भी इधर से बस पे जाएगी और मैं भी इधर से बस पे जाएगी। तो आज वो स्कूटी नहीं ले रही है, तो भाई यहाँ तक हम लोग को छोड़ने आया था रोड तक। तो गाइस अभी तक बस आई नहीं है, यहाँ पर हम लोग बस का वेट कर रहे हैं दोनों जन। तो गाइस काफ़ी वेट करने के बाद मेरी बस आ गई है, उधर से देख सकते हैं आ रही है। तो हम अभी कॉलेज पहुंच गए हैं और इतना भीड़ है, देख सकते हैं बस के अंदर में, और बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, उतरने भी नहीं बन रहा है। और हम चलते हैं कॉलेज की ओर। अरे ये रही उर्मी। और हम पहुंच गए अपना क्लासरूम और अभी तक कोई आ ही नहीं है लगता है। देखिए तीन ही लोग आए हैं और सामने साइड हम बैठते हैं। कुछ का होमवर्क दिए हैं क्या? असाइनमेंट जमा करना है, आज करना है, सही में नहीं पता। तो गाइस आप लोगों को बता दे रही हूँ कि सर पढ़ाने के लिए आए हुए हैं, देख सकते हैं इंग्लिश का पढ़ा रहे हैं हम लोग को। पढ़ाई हो गया है और अभी बाहर प्रोग्राम होगा बालिका दिवस, तो अभी बाहर जाएंगे और देख सकते हैं। चलो रे लोग। तो अभी हम लोग अपना चेयर को बाहर साइड लेंगे, बाहर में बैठने के लिए सभी कोई ले लिए हैं और हम लोग बैठे हैं बाहर, देख सकते हैं। नमंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभुति जैसे ना चले, एक्सीडेंट होने का पूर्ण संभावना रहता है, आपके जीवन को खतरा है। आप लोग मतलब बुझे और भविष्य है भारत के, तो आप लोग को संभल के चलना है। और 24 जनवरी 2008 से जो शुरू किया गया था राष्ट्रीय बालिका दिवस, उसी को हम आज मनाते हैं। इस राष्ट्रीय बालिका दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी ओर से आप सभी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि लड़कियां सशक्त और शिक्षित हो सकें। इसलिए मनाया जाता है क्योंकि उन्हें ज्ञान हो अपनी शक्ति का, उन्हें एहसास हो अपनी शक्ति का, उन्हें ज्ञान हो कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। और इसे मनाने का उद्देश्य लड़कियों को अपनी सशक्तिकरण जागरूकता है। और इसे इसलिए मनाया गया था क्योंकि लड़के या फिर कई लोग समझते हैं कि लड़कियां कमजोर हैं, लड़कियां पढ़ नहीं सकती, लड़कियां लिख नहीं सकती, लड़कियां कुछ और कर नहीं सकती। तो बस यही उद्देश्य था इसकी शुरुआत करने का। लड़कियों का चलना दुभर हो गया है, तो मैं उन लड़कों से उन भाइयों से कहना चाहूंगी कि ऐसा ना देखें, ऐसा ना देखें, क्योंकि आपका नेतृत्व करता ही माँ, आपके नेतृत्व करता ही एक बहन है। जिस घर जाए उजाला लाती है बेटियां, जिस घर जाए उजाला लाती है बेटियां। क्या था अभी, क्या चल रहा था?
प्रोग्राम बालिका दिवस खत्म हुआ तभी हम लोग चलेंगे घर। और ए दी स्पीच, मैं दी स्पीच। तो हेलो गाइस, चंद्रशिला दी स्पीच बालिका दिवस के अवसर पे कुछ कुछ बताइए। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने के बाद हम जा रहे हैं अभी घर, बस स्टॉप जा रहे हैं, वहाँ वहीं से बस चढ़ेंगे। तो फाइनली गाइस हम घर पहुंच गए हैं। आप लोगों को वीडियो कैसे लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, और वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।